नमस्कार, आप देख रहे हैं डेल 99 और मैं चारू। चीन की राजधानी बीजिंग से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बीजिंग में अमेरिकी दूतावास के सामने धमाका हुआ है, जिसके बाद में चारों तरफ धुआं फैला हुआ नजर आ रहा है। आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी दूतावास के बिल्कुल पास में ही भारतीय दूतावास भी है। हालांकि किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है और ना ही अभी तक किसी ने भी इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। लेकिन अमेरिका और चीन के बीच बढ़ रहे ट्रेड वॉर के चलते ये धमाका भी अहम रूप ले सकता है। आपको बता दें कि बहुत समय से चीन और अमेरिका के बीच में तनातनी मची हुई है ट्रेड वॉर को लेकर, और अब अमेरिकी दूतावास के सामने इस तरीके का धमाका कुछ और बयां करना है। आपको बता दें कि धमाके के बाद से ही जांच शुरू हो चुकी है। अभी तक पता नहीं चला है कि धमाका क्यों हुआ, किसने किया, और अभी तक किसी ने भी इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। बाकी और खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करिए दिल्ली 99।